में आज देखिए, ओआरसी में व्यापार जगत से जुड़ी बड़ी हस्तियां हुई शामिल। सच्ची खुशी के लिए जीवन के व्यवसाय प्रबंधन विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन। स्वागत है आपका पीस न्यूज बुलेटिन में, मैं हूं तुलसी। व्यापार सम्मेलन की खबर के अलावा बुलेटिन में आज रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर राजस्थान के सामुदायिक रेडियो प्रशासनकर्ताओं की कार्यशाला का सफल आयोजन, राजस्थान के सामुदायिक रेडियो की कार्य प्रणाली का अध्ययन, प्रयासों का एकीकरण रहा विषय। राजस्थान के पिलानी सेवा केंद्र पर वर्ल्ड टीबी डे के उपलक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रम, बीमारी से निजात पाने के लिए विल पावर के साथ सकारात्मक सोच को दिया बढ़ावा। और आखिर में भोपाल की स्वर्ण जयंती महोत्सव के अंतर्गत गीता सम्मेलन के साथ महिला सशक्तिकरण पर मंथन, विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह समेत कई विशिष्ट अतिथि हुए शामिल। सच्ची खुशी के लिए बेहतर प्रबंधन जरूरी है, जिसके लिए आध्यात्मिकता ही वो जरिया है जो जीवन को बेहतर दिशा प्रदान कर सकता है, और आध्यात्मिक सशक्तिकरण से ही आंतरिक शक्तियों का विकास संभव है। इन्हीं कुछ बातों का आदान प्रदान हुआ गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में, जहां व्यापार जगत से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। 28 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए, पर आज तक की इंडस्ट्री में इतना अपनापन नहीं देखा जितना आज मैं अपनी सिस्टर्स के साथ महसूस कर रही हूँ। और मुझे ये लगता है कि इंडस्ट्री को बहुत कुछ सीखना है आपसे। व्यापार का मतलब केवल हम अकेले व्यापार करके ना कमाएं, हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी इकोसिस्टम में लोग हैं वो कुछ ना कुछ कमाएं, चाहे वो हमारे ग्राहक हों, चाहे वो हमारे सप्लायर हों, चाहे वो हमारे एम्प्लॉई हों, चाहे वो हमारी सोसाइटी हो जिसके अंदर हम रहते हैं। तो हमारे आसपास जो हम काम करते हैं वो ऐसा करें जिससे कि सबको नाज हो हम पे और हमसे जुड़ने का। जब हम बाहर की दुनिया से यहाँ अंदर आते हैं, जो प्यार, जो अनुभूति, जो हमने बचपन में देखा था, सुना था कि स्वर्ग में होती है या मरने के बाद जो स्वर्ग होता है, जन्नत होती है, वो मैं यहाँ महसूस करता हूँ। ओआरसी में व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसका विषय रहा मैनेजिंग द बिजनेस ऑफ लाइफ फॉर ट्रू हैप्पीनेस, जिसका उद्घाटन भारतीय उद्योग परिसंघ की तकनीकी सलाहकार व उप महानिदेशिका सरिता नागपाल, वी मार्ग के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ललित अग्रवाल, M3M ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन बसंत बंसल एवं प्रसिद्ध समाज सेवी तथा व्यापारी घनश्याम गुप्ता, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिज मोहन, व्यापार एवं उद्योग प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके योगिनी, ORC की निदेशिका बीके आशा समेत अन्य कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर मौजूद संस्था के सदस्यों ने खुशी को आत्मा का निजी गुण बताते हुए दातापन के भाव को उत्पन्न करने पर जोर दिया। जिस व्यक्ति के पास विजडम भी हो, वेल्थ भी हो और पावर भी हो, वो क्या होगा, कभी हार सकता है? तो यहाँ आपको कौन सी वेल्थ दिलाई जाएगी वो दूसरी तो है, सबसे बड़ी वेल्थ होती है समय। आप सबके मन के अंदर वो चिराग है एम्पथी का, वो चिराग है सहानुभूति का, और बिजनेसमैन के लिए वो चिराग है इस समाज को उच्च कोटि पर पहुंचाने का। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई योग्यता होगी, कोई न कोई गुण होगा, कोई न कोई विशेषताएं होगी, तो हमें क्या करना है? भले किसी के अंदर 99 अवगुण हो, पर उसकी एक विशेषता होगी, तो उस विशेषता को देख करके हमें कार्य करना है। इस अवसर पर अन्य मुख्य अतिथियों ने भी आयोजित विषय पर अपने विचार व्यक्त किए।
यूनिसेफ राजस्थान, वागड़ रेडियो बांसवाड़ा और माउंट आबू के सामुदायिक रेडियो केंद्र रेडियो मधुबन 90.4 FM के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान के सभी कार्यरत सामुदायिक रेडियो प्रशासनकर्ताओं की एक कार्यशाला का आयोजन ब्रह्मा कुमारीज के शांतिवन परिसर में किया गया। राजस्थान के सभी सामुदायिक रेडियो की कार्य प्रणाली का अध्ययन, प्रयासों का एकीकरण और कार्यक्रम का आदान प्रदान इस कार्यशाला का विषय रहा। एक और जहां रेडियो मधुबन के केंद्र प्रभारी बीके यशवंत पाटिल ने सभी का कार्यक्रम में स्वागत किया, वहीं दूसरी ओर आबू रोड CDPO नितिन गहलोत ने ऐसे आयोजनों के लिए सभी को बधाई दी। इस अवसर पर उदयपुर से आए प्राकृतिक संसाधन और पोषण विशेषज्ञ दीपक शर्मा ने पोषण संबंधित परंपरागत ज्ञान के इस्तेमाल और प्रसार करने पर जोर दिया। इस कार्यशाला में राजस्थान बांसवाड़ा से वागड़ रेडियो, टोंक से आपनो रेडियो वंस्थली, अजमेर से रेडियो तिलोनिया और सिरोही से रेडियो मधुबन के प्रशासनकर्ताओं ने भाग लिया। राजस्थान के पिलानी सेवा केंद्र द्वारा वर्ल्ड TB डे के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं वक्ता फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर बबीता ने किसी भी बीमारी से निजात पाने के लिए विल पावर को बढ़ाने के साथ सकारात्मक सोच का होना जरूरी बताया। अगर पॉजिटिविटी है तो सब कुछ है, और विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आपको लोगों के सामने झुकने का मौका ना हो। आप इतने आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें कि आपको लोग जाने। आगे धर्मराज की अदालत विषय के तहत बच्चों द्वारा सुंदर नाटक प्रस्तुत किया गया, तो वही स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने समय प्रबंधन विषय पर जानकारी भी दी। भोपाल सेवा केंद्र के स्वर्ण जयंती महोत्सव के 5वें दिन गीता महासम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता एवं कर्नाटक के सिरसी सेवा केंद्र प्रभारी बीके वीना ने कहा कि जीवन में अच्छाई के साथ सच्चाई को भी चुनना सिखाती है गीता। इस मौके पर विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह, भारतीय वन सेवा के अधिकारी शरद गौर, भोपाल क्षेत्र की जोनल डायरेक्टर बीके अवधेश, भुवनेश्वर यूनिट 8 के प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी समेत अन्य बीके सदस्यों की उपस्थिति में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। वही आगे महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का भी आयोजन हुआ, जिसमें बीके अवधेश ने महिलाओं के खिलाफ रूढ़िवादी सोच को बदलने और उनके खिलाफ होने वाले अत्याचार व शोषण को रोकने पर जोर दिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष अनुराधा सिंह ने कहा कि नारी को सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है, वह खुद शक्ति का रूप है। वर्तमान में नारी को अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। इस मौके पर डॉक्टर बीके रीना, डॉक्टर अदिति सिंघल, बीके शैलजा ने भी अपने विचार रखे। कला, संगीत एवं संस्कृति को परमात्म अनुभूति का सहज और सशक्त माध्यम बनाकर लोगों में आध्यात्मिक जागृति लाने के उद्देश्य से संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा महाराष्ट्र के तारापुर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि भूपेंद्र पटेल, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके दयाल, मुख्यालय संयोजक बीके सतीश, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके हसू समेत अन्य बीके सदस्यों की उपस्थिति में कार्यक्रम का आगाज हुआ। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों ना चारित्र घड़तर ने संस्कार नु सिंचन आ भूमि ऊपर थई रह्यु छे। स्वर्णिम संस्कृति से स्वर्णिम संसार लाना तो चाहते हैं। स्वर्णिम संसार तो पहले हमारा घर स्वर्णिम बने, पहले हमारा जीवन स्वर्णिम बने। स्वर्णिम याने पांचों विकारों से मुक्त। आज जो संस्कृति है वो बदल गई। संस्कृति का मतलब क्या है? सब हमारे सुकृतियों की ही एक संगम होकर के संस्कृति बनती है। हमारी संस्कृति बहुत उत्तम रही है, प्रकृति रही है अलग, विकृति भी आ गई, लेकिन अगर वो संस्कृति को हम समझें तो बहुत बड़ी संस्कृति है। कार्यक्रम में बच्चों की विविध प्रस्तुतियों द्वारा कलाकारों को नई दुनिया के आदर्शों से जोड़कर एक नई सभ्यता के नव निर्माण का मार्गदर्शन दिया गया, जिसके पश्चात सभी को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहां पे कदम। घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम
राजस्थान में माउंट आबू के बीके भगवान के शिखर दौरे के दौरान अन्य कई स्थानों में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरुकृपा करियर इंस्टीट्यूट में नैतिक शिक्षा से सशक्त युवा विषय पर सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें डायरेक्टर राम रतन मिल तथा डॉक्टर राज किरण, बीके मधु, बीके मनोहर मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर बीके भगवान ने अपना वक्तव्य देते हुए बच्चों को शिक्षा का सही अर्थ स्पष्ट किया। वही डायरेक्टर राम रत्न मील ने संस्था का धन्यवाद किया। आगे LBI सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नैतिक शिक्षा के महत्व विषय पर सेमिनार में प्राचार्य रामेश्वर काड़वासरा, बीके गोपी समेत बड़ी संख्या में स्कूल के विद्यार्थी उपस्थित रहे, जिन्हें सर्वांगीण विकास के लिए भौतिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पर प्रेरित किया गया। इसी तरह जिला कारागार में भी अपराध मुक्त समाज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां बीके भगवान ने कैदियों को संबोधित करते हुए जेल को स्वयं के परिवर्तन का स्थान समझने की बात कही। ये वास्तव में जेल नहीं, लेकिन एक सुधार है। ये कारागार नहीं, लेकिन आप लोगों को यहां परिवर्तन करने के लिए रखा है। कार्यक्रम में जेल अधीक्षक सौरभ स्वामी, जेल उपाध्यक्ष नरेश चौधरी, वरिष्ठ वकील रंजीत सिंह समेत बड़ी संख्या में मौजूद कैदियों को जीवन में श्रेष्ठ बदलाव लाने के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया। हरियाणा के घरोंदा में एक स्वस्थ समाज के लिए स्वास्थ्य और सद्भाव विषय पर कार्यक्रम का आयोजन मनी गार्डन में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान, भारत विकास परिषद प्रेस से महेंद्र सोनी, स्टेट प्रेस इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन से प्रवीण गुप्ता, संस्था में सोशल सर्विस विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके आशा, करनाल सेक्टर 7 की प्रभारी बीके प्रेम तथा स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेनू मुख्य रूप से उपस्थित रही। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता बीके आशा ने बताया कि वर्तमान समय 80% निराशा मनोदैहिक है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का होना आवश्यक है, तभी समस्याओं के हल से बच पाएंगे। इस मौके पर आए मेहमानों ने कार्यक्रम में मौजूद होने पर अपनी खुशी जाहिर की और संस्था के कार्यों को सराहा। वहीं दिल्ली से आए गौरव सुदन और अश्विनी सुदन ने गीत की प्रस्तुति भी दी। नेपाल में शांतिपुर के गुलमे स्थित चकेश्वर बोर्डिंग स्कूल में हेल्दी माइंड के लिए मेडिटेशन और सकारात्मक सोच विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दमोली सेवा केंद्र के राजयोग प्रशिक्षक बीके राजू ने सफल जीवन के लिए सोच का सकारात्मक एवं कर्मों को सत्कर्म में बदलने की बात कही। मौके पर शांतिपुर सेवा केंद्र की संचालिका बीके जयंती ने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए राजयोग को वर्तमान समय की मांग बताया। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य देवेंद्र शाह समेत सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी प्रशिक्षण के सहभागी बने। आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।